हेलो एंड वेलकम टू देसी बचा का, मैं हूं आराधना आपके साथ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं होगी अब घनघोर पूजा। ये हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि घनघोर की पूजा होने वाली है ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा घनघोर की पूजा में। असल में अबीरा के लिए चुन्नी लाएगा अरमान। अबीरा को सजाया है उसने, ये तो आपने प्रोमो में ही देख लिया होगा। वो चुन्नी अब गायब हो जाएगी क्योंकि रूही उसे चुरा लेगी और उस चुन्नी पर यहाँ पर बड़ा बड़ा अरमान लिखा होगा और रूही उस चुन्नी को ओढ़ के नाचेगी। अबीरा परेशान होगी कि मेरी चुन्नी कहाँ गई। नीचे जाएगी रूही, उस चुन्नी को छुपा कर रख कर जाएगी। अबीरा को चुन्नी नहीं मिलेगी, लेकिन नीचे मासा डांट के भगा देंगी और ये कहेंगी कि तुम ये पूजा नहीं कर सकती हो, ये सिर्फ जोड़े के साथ होती है। ऐसे में अबीरा मिट्टी लेके जाएगी रूही के पास और कहेगी कि तुम भी मूर्ति बनाओ और पूजा करो। लेकिन रूही अपनी हरकत से बाज थोड़ी आएगी। अबीरा और अरमान मिलकर जो मूर्ति बनाएंगे, देखिए जो घनघोर पूजा होती है ये शिव पार्वती जी की होती है। अब ऐसे में यहाँ पर जो मूर्ति अबीरा और अरमान मिलकर बनाएंगे, रूही उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करने वाली है जिससे वो मूर्ति टूट जाए और अपशगुन हो जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो अबीरा और अरमान की शादी ही वैलिड नहीं है। लेकिन होता तो वही है ना जो ऊपर वाला चाहता है या जो राजन शाही चाहता है। अब यहाँ पर होगा ये कि जो मूर्ति रूही बनाएगी वो मूर्ति खंडित हो जाएगी, वो टूट जाएगी और अबीरा और अरमान अपनी मूर्ति को पधरा कर आएंगे। लेकिन अभी भी रूही को अकल नहीं आएगी, पर रूही अब शो की सबसे बड़ी विलन बन जाएगी। कितने एक्साइटेड हैं आप देखने के लिए, कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।